नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, मैं सभी प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वर्षों के कड़े संघर्ष और अनेकों बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। भाइयों और बहनों, इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण निछावर किए। हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों ने अमर शौर्य गाथाएं लिखी है। प्रिय प्रदेशवासियों, यह गर्व की बात है कि हमारे वीर सपूतों ने 4 परमवीर चक्र, 2 अशोका चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र जीते हैं। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके बाद कर्नल डीएस थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा तथा सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज भी हिमाचल प्रदेश के नौजवान देश की सेनाओं का हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोगों के बुलंद हौसलों और मेहनत के कारण हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे हैं। हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपके भरपूर सहयोग और आशीर्वाद से 11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस सरकार ने राज्य में जनसेवा का दायित्व संभाला। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे सरकार का नेतृत्व संभालने का अवसर प्राप्त हुआ। 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में हमने राजनीतिक, आर्थिक और आपदा के मोर्चों पर 3-3 चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना किया। भाइयों और बहनों, मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने हमारी सरकार पर अपना भरोसा बनाए रखा और भरपूर सहयोग दिया है। आप जानते हैं कि आपके द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए कई साजिशें रची गई। चुनी हुई प्रदेश की सरकार को धन बल और बेईमानी के सहारे गिराने के प्रयास भी बहुत किए गए, कई षड्यंत्र किए गए, लेकिन प्रदेश के लोगों ने उन्हें नाकाम कर दिया। प्रदेश पर उपचुनावों का आर्थिक बोझ पड़ा और 4 महीने तक विकास परियोजनाओं की गति रुकी रही, लेकिन आपने इन साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया और लोकतंत्र को मजबूत करते हुए धनबल को हराकर जनबल की विजय का परचम लहराया। आपने कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में भरोसा जताकर उपचुनावों में कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने नीतिगत बदलाव लाकर केवल एक वर्ष में 2200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश के लिए अर्जित किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आबकारी और कराधान से जुड़े पेंडिंग टैक्स केसेस का निपटारा करने के लिए राज्य सरकार एक योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत जीएसटी लागू होने से पहले 10 से 15 हजार
लेगेसी केसेस समाप्त होंगे, अदालती झंझट से निजात मिलेगी और लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही 15 अगस्त से प्रदेश के करदाताओं को जागरूक करने के लिए एक सप्ताह तक अभियान चलाया जाएगा। भाइयों और बहनों, हिमाचल की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारी सरकार ने विकास और जन कल्याण के कार्यों की गति रुकने नहीं दी है। हम अपने संसाधन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने में समय लगेगा, जिसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। मैं सरकारी कर्मचारियों से भी पूरे सहयोग का अनुरोध करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हितों की अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की है। इन प्रयासों के कारण अदानी पावर्स, वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल जैसे केसों का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है। हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान पर भी राज्य के लोगों के हितों को मजबूती के साथ अदालत में रखा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,35,000 रुपये प्रतिवर्ष है, जो कि देश की प्रति व्यक्ति औसत आय से अधिक है। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जहां लोग अमीर है पर सरकार गरीब है। इसका कारण पिछली सरकार ने अमीर गरीब दोनों को एक बराबर सब्सिडी देने की प्रथा शुरू कर दी। साथ ही कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ गया। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी दोनों के बिल राजनीतिक लाभ के लिए माफ कर दिए। जो व्यक्ति जरूरतमंद है उसे यह सुविधा मिले, इसका हमारी सरकार विरोध नहीं करती, लेकिन संपन्न परिवारों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिजली का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर इस साल 780 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पानी का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर इस साल 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश के नागरिक जो भी टैक्स देते हैं उसका एक एक पैसा सरकार जनहित के कार्यक्रमों में खर्च करेगी। मैं प्रदेश की मेहनतकश जनता से अपील करता हूँ कि आप सभी हमें इस बदलाव में सहयोग दे। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भारत का वित्त आयोग हर 5 साल के लिए ऐसे प्रदेशों को विशेष सहायता देता है जो रेवेन्यू सरप्लस नहीं होते, यानी उनमें राजस्व पैदा करने के लिए साधन कम होते हैं। देश में राज्यों का गठन कंप्लीट इकोनॉमिक यूनिट्स के तौर पर नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें रेवेन्यू सरप्लस एरिया की तरह देखना ठीक नहीं है। 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश के साथ अन्याय करते हुए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को कम कर दिया है। वर्ष 2021-22 में यह ग्रांट 10,249 करोड़ थी, जो वर्ष 2025-26 में घटकर 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में प्रदेश को विकास के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये कम मिलेंगे। पिछली सरकार ने भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाया। हमने इस मामले को 16वें वित्त आयोग के सामने प्रमुखता से रखा है। यह जरूरी हो गया है कि हम आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अपने संसाधन बढ़ाए। प्यारे प्रदेशवासियों, हिम केयर योजना के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। बहुत से निजी अस्पतालों में इसे पैसा कमाने का धंधा बना लिया था। इससे मरीजों पर अनावश्यक टेस्टों और प्रोसीजर का बोझ डाला जा रहा था और बढ़ा चढ़ाकर बिल
बनाए जा रहे थे, इसलिए हमने निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस योजना को बंद नहीं किया गया है और सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इस योजना का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा को बहाल रखा गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, आज परिस्थितियां बदल रही है। लगातार होते बदलाव के साथ हमें अपना तौर तरीका भी बदलना होगा। इस साल प्रदेश के 99 प्राइमरी स्कूल्स में 0 एनरोलमेंट थी और 10 मिडिल स्कूल में 0 एनरोलमेंट थी। क्या यह स्कूल चल सकते हैं? हमने 2 किलोमीटर दायरे के प्राइमरी स्कूलों और 3 किलोमीटर के दायरे के मिडिल स्कूलों में 5 और इससे कम विद्यार्थी संख्या होने की स्थिति में इनको निकटतम विद्यालय के साथ मर्ज करने का निर्णय लिया है। इससे कंपोजिट स्कूल्स में बच्चों और अध्यापक दोनों की संख्या बढ़ेगी और अच्छी शिक्षा मिलेगी। भाइयों और बहनों, प्रदेश के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करने की गारंटी को हमने पूरा किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से हमने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। प्रदेश सरकार ने डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है, जिसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। इस वित्त वर्ष में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए हमने इस आयोग को बंद कर भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग खोला है। आयोग ने कुल लंबित 2983 पदों के परिणामों में से 1841 पदों के अंतिम नतीजे घोषित कर दिए हैं। बाकी लंबित परीक्षा परिणामों को भी जल्दी घोषित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 4 साल से लटके JEE IIT पोस्ट कार्ड 817 का केस भी हमारी सरकार ने मजबूती के साथ लड़ा और कोर्ट से फैसला आने के बाद इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। भाइयों और बहनों, पिछले वर्षों की तरह इस बरसात में भी हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। कई बहुमूल्य जीवन प्राकृतिक आपदा में हमने खोए हैं, जिन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हम आपदा प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हर एक प्रभावित मेरे परिवार का सदस्य है और एक एक परिवार को फिर से बसाना हमारा संकल्प है। इस साल आपदा से प्रभावित हर परिवार को फौरी राहत के रूप में 50,000 रुपये दिए गए हैं। उन्हें 3 महीने तक किराए पर मकान के लिए शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपया प्रदान किए जा रहे हैं। प्रभावितों को मुफ्त राशन, गैस, बर्तन, बिस्तर और सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी समाज के संवेदनशील वर्गों का संरक्षण
और कल्याण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में 6000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। इन बच्चों की पढ़ाई, जेब खर्च और देश के किसी भी हिस्से में घूमने का खर्चा प्रदेश सरकार उठा रही है। इन्हें स्टार्टअप शुरू करने और शादी के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। इनके कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष का गठन भी किया गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है, ताकि महिलाएं स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में हर महीने 1500 रुपया प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार इन महिलाओं को सालाना 18000 रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण 48000 महिलाओं को 3 माह की लंबित 4500 रुपये की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व में अन्य पेंशन योजनाओं से लाभ ले रही लगभग 2,37,000 महिलाओं को भी इस योजना के दायरे में लाकर उनकी मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमारी सरकार ने अपनी चुनावी गारंटी के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1,36,000 से अधिक कर्मचारी और उनके लाखों परिवारों को फायदा मिला है, लेकिन कर्मचारियों के एनपीएस के लगभग 9,200 करोड़ रुपया अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, अपने एक और चुनावी वादे को पूरा करते हुए हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। पहले चरण में ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% उपदान का प्रावधान है। दूसरे चरण में निजी भूमि पर 50% उपदान पर 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम कृषि उन्नति योजना भी लागू की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मामले गंभीर चिंता का विषय है। हमने कैंसर मरीजों के लिए फ्री इलाज और मुफ्त दवाइयां प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने टांडा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 462 पद और IGMC शिमला व अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चम्याना में 499 पद भरने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग में राज्य सरकार द्वारा लगभग 2700 पदों को भरा जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, बागवानी क्षेत्र का हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। बागवानों के हित में राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस साल
सेब सीजन के दौरान यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग शुरू किया गया है। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए 153 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। इसमें पिछली सरकार की 90 करोड़ रुपये की देनदारी भी शामिल है। इस साल भी सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों को 12 रुपये के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। भाइयों और बहनों, प्रदेश की लगभग 69% आबादी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। अपने वायदे के अनुसार हमने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध को 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला हिमाचल देश का पहला एकमात्र राज्य है। प्रिय प्रदेशवासियों, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। हमारी सरकार नालागढ़ में ऑयल इंडिया कंपनी की भागीदारी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए 1 मेगावाट का प्लांट लगा रही है। ऊना जिला के पेखूवाला में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना मात्र 4 महीनों में जनता को समर्पित की गई है। इस परियोजना से सालाना 19 करोड़ 17 लाख रुपए के राजस्व लाभ का अनुमान है। कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र के अगलोर में 10 मेगावाट तथा गगरेट विधानसभा क्षेत्र के बंजाल में 5 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। इन परियोजनाओं के संचालन में प्रदेश सरकार को 11 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। भाइयों और बहनों, पर्यटन हमारी आर्थिकी का मुख्य आधार है। प्रदेश सरकार पर्यटकों को बेहतर सुविधा और सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, जिससे पर्यटन गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस साल जून माह के अंत तक रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक पर्यटक प्रदेश के भ्रमण पर पहुंचे। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरा उपमंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की लागत से वन्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया भी जारी है। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट निर्मित किए जा रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से प्रदेश में रोपवे निर्माण को भी गति दी जा रही है। शिमला में दुनिया के दूसरे और एशिया के पहले रोपवे पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार लगातार सड़कों के नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश की कुल 3,615 पंचायतों में से 3,578 ग्राम पंचायतें मोटर योग्य अथवा जीप योग्य सड़कों से जुड़ी है। 15,580 गांव को सड़क सुविधा
से जोड़ा जा चुका है, बाकी पंचायतों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम प्रदेश के दूर दराज इलाकों तक रोजाना लाखों यात्रियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। HRTC को इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए 517 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। परिवहन निगम शीघ्र ही नई वोल्वो बसें, टेम्पो, ट्रेवलर, सुपर लग्जरी बसें खरीदेगा। परिवहन निगम में 357 कंडक्टरों को नियुक्ति दी गई है। भाइयों और बहनों, प्रदेश में सभी को 24 घंटे पेयजल सुविधा सुनिश्चित करना तथा पानी की गुणवत्ता सुधारने के दृष्टिगत भी कदम उठाए गए हैं। साफ और कीटाणु रहित पेयजल प्रदान करने के लिए 69 टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में रोजगार के 31,000 से अधिक अवसर सृजित किए हैं। इसकी तुलना में पूर्व भाजपा सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल 20,000 नौकरियां दी थी, जिनमें से अधिकतर कानूनी दाव पेचों में उलझी रही। भाइयों और बहनों, प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन करके 1,87,500 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। इस व्यवस्था से आम आदमी को भूमि से जुड़े मामलों में बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है। अवैध खनन रोकने तथा वैज्ञानिक खनन के माध्यम से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल पॉलिसी 2024 लाई गई है। हमने निर्णय लिया है कि राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भूमि मालिकों की सहमति से खनिज निकालने के लिए नीलाम किया जा सकेगा। इसके लिए भूमि मालिकों को वार्षिक बोली राशि का 80% हिस्सा दिया जाएगा। मैं हिमाचल वासियों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना साकार कर रही है। पिछली भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियों का बोझ छोड़कर गई। यही वजह है कि राज्य सरकार को कर्ज और इसका ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। आज हालात ये है कि हर 100 रुपये में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17 रुपये, ब्याज पर 11 रुपये, कर्ज अदायगी पर 9 रुपये, स्वास्थ्य संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपये और बचे हुए 28 रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के हमारे संकल्प में खराब आर्थिक स्थिति को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। जय हिंद।